हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने ये गाउन बनाया है। इसको हमने अपनी वर्क वाली हैवी साड़ी से बनाया है। ये इसका जो लुक है वो इस तरीके से आ रहा है। अगर हम आप इसको कैन-कैन के साथ पहनते हैं, जो कैन-कैन स्कर्ट होती है, तो इसका लुक और भी प्यारा आता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कैन-कैन स्कर्ट के साथ पहना है, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। इस कैन-कैन स्कर्ट का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है मैंने कैसे कटिंग किया था, तो आप देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। तो देखिए, हमें इस तरीके से सिलना है इन कलियों को। ये बंद कली का हमारा जो गाउन है वो बंद कली का है, क्योंकि नीचे वर्क आया हुआ है तो हम उस वर्क को कट नहीं कर सकते। इसमें जो कट वर्क है, हाफ नेट में साड़ी है ये, तो मैंने इसका कटिंग बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये 16 कली हैं। कुछ नहीं करना है, बस उल्टी साइड को इन कलियों को आपको सिल देना है, बंद कर देना है। तो देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम नीचे से। आप कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, जहाँ से भी आपको कम्फर्ट लगे। और यहाँ से अगर कली थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती हैं तो वो हम कर लेंगे एडजस्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। वैसे हम, आपने देख ही लिया है मेरी जो हाइट है वो 5-6 है, तो ये मेरे गाउन फिर भी एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप कपड़े को ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिए। तो देखिए, हमने एक कली को जोड़ लिया है, अच्छे से फिनिशिंग देंगे। जो बाकी की कलियाँ हैं उनको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, मतलब एक एक करके हम सभी कलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी खोल के। और ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही इन्हीं, मतलब ऐसे कभी हम बैक फ्रंट अलग करते हैं, लेकिन बैक फ्रंट दोनों ही इसमें है, क्योंकि ये लहंगा है जो गाउन है ये पूरा वर्क में है। तो जो हमारा पल्लू था उसको हमने फ्रंट में ले लिया है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि हमने पल्लू को फ्रंट में लिया है। पहनने के बाद में आपको अगर लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कलियों को जोड़ लिया है। जितनी मेरी कमर है उसके हिसाब से मेरे ये परफेक्ट आया है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लूज टाइट की, एकदम फिट आया है ये मेरे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम सिलाई, इसके लिए अस्तर कट करेंगे और इसको भी हम सिलाई कर लेंगे साइडों से, फिर उसके बाद अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख ही सकती हैं बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के। देखिए फ्रेंड्स, इसका अस्तर कट करेंगे। तो ये मैंने टाफेटा का अस्तर लिया है और मैंने वो जो अपना तैयार किया है अपना मेन फैब्रिक के साथ, जो इसका कमर है वो टोटल हमारा 20 इंच पे आ रहा है। तो हम यहाँ से जो अपना लेंगे ये कमर 10 इंच पे लेंगे। तो ये हमारे पास जो फैब्रिक है वो 3 मीटर है, लेकिन इसका पना 60 का है, यानी कि इसका पना काफी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 2 फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये 2 फोल्ड में है और फिर इसको ऐसे तिकोना करके मैं ऐसे बराबर कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम बराबर कर लेंगे और यहां से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कपड़ा 4 फोल्ड में है तो मैं यहां से ले रही हूं 10 इंच पे। अब इसको यहां से नापेंगे तो ये 14 आ रहा है, तो पूरा ही जो सर्कल होगा हमारा वो 14 में ही बनेगा। अब हम यहां से लंबाई लेंगे, जैसे कि हमारी इसकी लंबाई है टोटल 42 इंच, तो हम इसकी 40 इंच लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे हम। और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि मोड़ना भी है, तो हमारे पास ये 1 इंच एक्स्ट्रा ही आ रहा है, टोटल 41 इंच आ रहा है, तो वो मैं पूरा ले दूंगी। और यहां से हम पूरे में 41 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे पूरे में। अब देखिए फ्रेंड्स, सभी डॉट को हम एक दूसरे के साथ ऐसे मिला देंगे ऐसे, और मिलाने के बाद और इसको कट कर देंगे हम यहां से। और जो नीचे से कपड़ा बचा है इसमें से आप चाहे तो लाइनिंग में यूज कर सकती हैं, और या फिर आप इससे कुछ और बना सकती हैं। तो मैं इसको लाइनिंग में यूज कर लूंगी, मतलब टॉप पार्ट के अस्तर में। अब यहां से इसको खोलना नहीं है, क्योंकि वो पार्ट आपको मैं दिखाती हूँ वो मेरा पूरा ही बंद है, तो हमें कैसे अटैच करना है वो हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, इसको और इन दोनों को ऐसे मिला के और आपको सिलाई कर देना है ऐसे, और इसको नीचे से मोड़ लेंगे सबसे पहले हम, जो हमारा अस्तर है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को जोड़ दिया है। अब हम इनकी साइड सिल देंगे, मतलब जितनी भी आपकी फिटिंग है, कोई गाउन हुआ आपका पुराना, उससे नाप के इसको परफेक्ट फिटिंग में कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ हम जो टॉप पार्ट बनाएंगे वो भी हमारा बिल्कुल इसके मैच का ही बनेगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा कहीं से भी। तो इसीलिए इसको नीचे तक बॉटम तक सिलाई कर देंगे। अब वो हो गया रेडी। अब ये हमने अपने जो अस्तर है उसके ऊपर गोल गला बना लिया है। गोल गले की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है, चौड़ाई 3 इंच है, और बस अस्तर पे ड्रॉ कर लिया है। बुकरम वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। जो मेन कपड़ा है उसको मैंने सीधा रखा है अंदर की साइड, और अस्तर को उल्टा करके रखा है। अब आधा आधा इंच की दूरी से इस कपड़े को हम कट कर देंगे। यहाँ से पूरा कपड़ा हम कट कर देंगे, और इसमें छोटे छोटे हम ऐसे कट लगा देंगे इस तरीके से। और कट लगाने के बाद अब सारी पिन निकाल के इसको हम सीधी साइड को पलट देंगे, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब ये हमारा गोल गला बन जाएगा। बैक पार्ट का जो पीछे का पार्ट है उसके लिए भी गले की चौड़ाई 3 इंच होगी, और लंबाई में मैंने उसको 10 इंच रखा है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा है वो मेरा। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें प्लेट्स डाल लेते हैं। मैंने चारों तरफ से भी इन दोनों पार्ट को सिल दिया है, मतलब अस्तर को और अपने साड़ी वाले कपड़े को, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 11 इंच तो प्लेट की लंबाई होगी, लो 5 इंच बांध सकते हैं, ऊपर से मैंने 11 इंच नापा है, और बस आधा आधा इंच की प्लेट डाल लेंगे। डिस्टेंस इसकी इनके बीच में 4 इंच का रहेगा, यानी 8 इंच का होगा खुलने के बाद में, बंद साइड से 4 इंच का रहेगा। अब हम इस तरीके से पीछे और आगे प्लेट दोनों डाल देंगे। ये स्लीवलेस गाउन होगा, ये पीछे का गला है। अब यहाँ से दोनों का हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जुड़ गया है। अब बैक पार्ट में हम एक तो बेल्ट बना लेंगे, और दूसरा इसके फ्रंट पार्ट में हम इस तरीके से ये सेम लेस है सेंटर मिला के, ठीक पहले सेंटर का निशान लगा लीजिए आप। ये सेंटर का निशान लगने के बाद अब एक साइड को ऐसे और दूसरी साइड को ऐसे इस लेस को हम लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस को लगा दिया है। बीच में आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। शोल्डर भी जुड़ गए हैं। अब बस इनका हम साइडों से फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने से पहले आर्म होल को फिनिशिंग दे लेंगे। तो हमने ये तिरछी पट्टी बचे हुए कपड़े से कट कर ली है। इसको हम ऐसे सीधा करके रखेंगे, ऐसे सीधी साइड को सीधा करके। अब फिर इसको रॉन्ग साइड को हम पलट देंगे तरीके से, और पूरे ही आर्म होल में सिलाई लगाएंगे। अब आप इस जगह पे बाजू लगाना चाहती हैं तो सेम बाजू भी लगा सकती हैं। अब जितनी हमारे गाउन की फिटिंग है उसी हिसाब से हमें अपने कमर की और ब्रेस्ट की फिटिंग करनी होगी। नीचे तक ले आएंगे फिटिंग को करते हुए, दूसरी साइड से भी सेम फिटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हो गई है ये फिटिंग। अब हम इसको अपने, देखिए ये हमारा गाउन है, नीचे का घेरा है। अब इनको नापेंगे तो ये देखिए एकदम बराबर हैं, ये आपके बराबर होने चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो गाउन है इसको उल्टा कर लीजिए आप इस तरीके से। और मैंने अभी इसके बॉटम नहीं मोड़ा है, मैं इसका बॉटम और ये इसका जो नेट है उस पे पीको कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड, अच्छे से मैंने बराबर कर लिया है। अब इसको सीधा करके ऐसे अंदर को डाल दीजिए, और यहाँ पे पिन लगा दीजिए, ऐसे मिला के पिन लगा के। अब कुछ नहीं करना है, बस इसके चारों तरफ को सिलाइयाँ लगा दीजिए, ऐसे पकड़ के पिन लगा के सुई से कच्चा करके, और बस सिलाइयाँ लगा दीजिए और नीचे से बॉटम को मोड़ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट भी बना ली है। बेल्ट की मैंने लेस लेके बस साइडों में दो डोरी लगा दी हैं। तो ये हमारा गाउन एकदम परफेक्ट बन के आया है। बिना केन केन स्कर्ट के भी अच्छा लग रहा है, और इसे आप रात की शादी में किसी में भी वीडियो बना रहा अपने लिए गाउन बना सकती हैं। तो केन केन स्कर्ट के साथ इसका लुक ऐसा आ रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा गाउन। धन्यवाद।